Welcome to Abipedia guys. Myself Dr. Dharmendra and today I am going to discuss another important topic from basic concept of ecology series. Now the significance of this topic is कि बहुत सारे यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट साइड, राइट? तो आपको ऐसा करंट अफेयर के अंदर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज रिलेटेड टू द बेसिक, तो करंट डिराइव्ड क्वेश्चन को भी हेल्प करेगा. नाउ द टुडेज टॉपिक नेम इज इकोलॉजिकल पिरामिड. आपने फूड चेन पढ़ा होगा, फूड वेब पढ़ा होगा. अगर मैं फूड चेन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड. के मतलब हम अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, राइट? मान लो एक यहां पे मैं फूड चेन आपको बना के देता हूं. ग्रास ऑपर, देन फ्रॉग इज देयर, ओके, देन स्नेक. ये एक मैंने फूड चेन बना दी. मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कि सबसे नीचे ग्रास आ गई, देन ग्रास ऑपर, फ्रॉग, देन स्नेक. तो दिस इज अ इकोलॉजिकल पिरामिड. बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन. कि अगर ग्रास ऑपर ग्रास से कैसे रिलेटेड है, फ्रॉग इज हाउ फ्रॉग इज रिलेटेड विद द ग्रास ऑपर, एंड देन स्नेक इज रिलेटेड विद द फ्रॉग. ओके, तो बेसिकली ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ आया होगा. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. कितने टाइप के पिरामिड है ना? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप. वन इज पिरामिड ऑफ नंबर, अनदर वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. ये तीन आपने समझने फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम परस्पेक्टिव. अगर आपको तीन समझ आ गए तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर एग्जाम के अंदर आया तो. ओके, नो फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर. अगर मैं एक पिरामिड को डिजाइन करूं, ठीक है, जैसे मैंने पहले एक पिरामिड बनाया था, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहां पे बॉटम के ऊपर होगा प्रोड्यूसर, इफ आई से द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज 100, देन द नंबर ऑफ कंज्यूमर और वी कैन से हर्बीवोर इज 80, उसके बाद कार्निवोर इज 60, टॉप कार्निवोर इज 20. नाउ दिस पिरामिड इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड. अपराइट, इन अपराइट पिरामिड बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर एज कंपेयर टू हर्बीवोर, एंड द नंबर ऑफ हर्बीवोर इज मोर एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्निवोर, एंड द नंबर ऑफ प्राइमरी कार्निवोर इज मोर एज कंपेयर टू टॉप कार्निवोर. सो द पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज अपराइट और इनवर्टेड. Now almost all, we can say the most of the pyramid, they are upright. तो ये तो हो गया, this one is upright. Now we need to understand the example where the pyramid of number can be inverted. ये आपने एक example याद करनी है, यही exam के अंदर आएगी, ठीक है? या तो ये पूछ लेगा भाई इसका बताओ कि statement के base के ऊपर आया तो वो बोलेगा that pyramid of number is always upright. That statement is wrong. या ये पूछ लेगा inverter किस case के अंदर है, वो मैं बता दूंगा आपको, बस आपका काम हो गया, ठीक है? Now inverter. इन्वर्टर मींस के जो बेस के ऊपर है, जैसे यहां पे बेस के ऊपर वाइडर था, इसका बेस नैरो एज कंपेयर टू अपर, मतलब उसका उल्टा. दिस इज अ इन्वर्टर पिरामिड, राइट? एग्जांपल क्या है इसकी? अगर ट्री, नो एग्जांपल इज ट्री, ठीक है? नो, और वी कैन से पैरासिटिक फूड चेन, राइट? इसको ट्री पिरामिड भी बोलते हैं और पैरासिटिक पिरामिड भी बोलते हैं. दोनों में से कोई भी नाम आया तो वो सही आंसर है, ठीक है? आइडिया इसके अगर आपको बोले ट्री के ऊपर आप एक पिरामिड बनाओ या फूड चेन को डिस्कस करो, तो आप बोलोगे जी सबसे पहले मैं बोलूंगा प्रोड्यूसर कौन है, आप बोलोगे ट्री. नो द नंबर ऑफ ट्री इज 1, उसके ऊपर आप बोलोगे देन बर्ड्स बहुत बढ़े हैं, द नंबर ऑफ बर्ड्स इज मोर एज कंपेयर टू ट्री, then lice and bugs are also present, and at the end bacteria. Now the number of bacteria is very high. हो गया ना inverter? सबसे कम number किसका है? Bottom का producer, that is tree. Tree का number 1, then birds के थोड़ा सा ज़्यादा number, lice and bugs का और ज़्यादा है, then bacteria का number और ज़्यादा. So tree ecological pyramid, in case of pyramid of number is inverter. So this is a prime example and very important.
ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम को मन में ख्याल भी आ रहा है आपके कि भाई देना है, देन यू शुड नो। नो नेक्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास बायोमास इज बेसिकली अ ड्राई वेट। बायोमास इज बेसिकली अ ड्राई वेट, ठीक है। अगर ड्राई वेट, अगर पहले मैंने पिरामिड के अंदर क्या ले रहे थे हम, नंबर, बायोमास के अंदर हम वेट लेंगे, ठीक है। नो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज अपराइट ऑलमोस्ट देन इन्वर्टर, अगेन सिमिलर पैटर्न। यहां पे हम वेट के बेस के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, इन प्रीवियस वी हैव डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नाउ द थिंग इज के इन्वर्टर पिरामिड आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए। नाउ द बायोमास, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टर इन केस ऑफ एक्वेटिक, एक्वेटिक फूड चेन, फूड चेन के अंदर वहां पे, और एक्वेटिक पिरामिड कैन बी इन्वर्टर। इसके अंदर आ जाएगा आपका, अगर मैं एक एग्जांपल हूं इन्वर्टर की, दैट इज फाइटो, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन क्या होता है? फाइटोप्लैंकटन दे आर बेसिकली, वी कैन से दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसर्स। ओशियन के अंदर होते हैं, वाटर बॉडी के अंदर। अगर मैं प्लैंकटन, प्लैंकटन बेसिकली आर टू टाइप, वन इज जू प्लैंकटन, अदर वन इज फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन, प्लैंकटन तो पहले ये समझो, प्लैंकटन और नेक्टन के अंदर फर्क क्या है? नो, नेक्टन कैन स्विम एट देयर ओन विल, प्लैंकटन कैन नॉट स्विम, वो वाटर के साथ ही मूव करते हैं। प्लैंकटन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज फाइटोप्लैंकटन व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अनदर वन इज जू प्लैंकटन व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड अपॉन फाइटोप्लैंकटन। सो प्रोड्यूसर क्या है? फाइटोप्लैंकटन, देन जू प्लैंकटन, देन स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश। देखो, अगर मैं बोलूं नंबर, आप बोलोगे नंबर तो लार्ज फिश का बहुत कम है, लेकिन यहां पे हम नंबर ले रहे, हम वेट ले रहे, सो द वेट ऑफ द लार्ज फिश इज मोर एज कंपेयर टू अदर। नाउ द फाइटोप्लैंकटन, द बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंकटन इज वेरी लेस, द रीजन इज बिकॉज देयर लाइफ, राइट, वी कैन से देयर लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। जैसे वो ग्रो करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, फिर नया ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई देयर बायोमास इज वेरी लेस। नो दिस इज एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इट इज अकर इन एक्वेटिक। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज ट्री, ट्री पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, वेयर एज इन एक्वेटिक द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ओके। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट वी शुड नो द लिंडमैन लॉ, द लॉ ऑफ लिंडमैन। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी, जनरली ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मतलब अगर अगेन एक पिरामिड को हम डिजाइन करते हैं, ग्रास, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक, नो ओनली 10%, यहां पे मान लो ग्रास ऑपर के पास जितनी एनर्जी अवेलेबल है, ये एज ए हीट भी रिलीज होगी, एज ए वी कैन से रेस्पिरेशन। एक एग्जांपल पहले और सिंपल देता हूं, मान लो हमने खाना खाया, अब वो फूड कोई हमें भगवान ना करे खा जाए, क्या वो सारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। अगर मान लो हमें लायन ने खा लिया, तो लायन के अंदर सारी एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी, मोस्टली जनरली इट इज जस्ट 10%। दैट्स व्हाई द वी कैन से द लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन आर वेरी 4 और 5 इन जनरल, है ना। तो अगर खा लिया तो उस केस के अंदर देखो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। बट एनर्जी जैसे ह्यूमन बींग के अंदर हमने फूड खाया, फूड की एनर्जी हमारी यूज एज ए रेस्पिरेशन भी तो हो रही है, रेस्पिरेशन के अंदर हमारी एनर्जी यूज हो रही है, देन एज ए हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कि वो टोटल एनर्जी नहीं रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। अगर ये 100 है तो यहाँ पे 10 रहेगी, तो दिस इज 0.1, सॉरी दिस विल बी अ 1%, यहाँ पे 0.1 आ जाएगी।
तो ऐसे ऐसे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी. नाउ द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि हमेशा 10% होती है. नाउ इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 35%, डिपेंड करता है. ठीक है, ओके. तो जनरल आइडिया के ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर. नाउ द थिंग इज कैन पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड, कैन इट बी इन्वर्टेड? नो, बस ये समझना है, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड. व्हाई? भाई ऐसा तो नहीं है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेट अस सपोज एनर्जी इज 100% एट दिस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल और यहां पे जाके 120 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड होने के लिए हमें बेस नैरो चाहिए, उसके बाद अपर बेस ब्रॉडर चाहिए. मतलब अगर यहां पे 100 है, इट शुड बी मोर देन 100, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो दिस पिरामिड इज जनरली अपराइट और every time it will be upright, right? So this is all about the different kinds of ecological pyramid. So हमारे YouTube channel को subscribe करें, like करें, share करें. और भी अगर कोई video आपको लगता है कि इस topic के ऊपर मुझे समझना है, तो वहाँ पे आप comment कर सकते हो. I will make definitely make a one video on that topic. So this is all about for today. Thank you very much.